देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर केंद्र व राज्य सरकारें गंभीर हो गई है। सरकार की ओर से अभी हाल ही में नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। नई कोरोना गाइडलाइन की समीक्षा के लिए बुधवार को एसडीएम ऑफिस में ब्लॉक स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम श्वेता चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एसडीएम श्वेता चौहान ने सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देते हुए उसकी पालना हेतु चर्चा की। बैठक के दौरान एसडीएम ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब ब्यावर शहर में भी दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों की ट्रैकिंग के लिए रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर मेडिकल की टीम तैनात रहेगी। अगर किसी यात्रा के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी तो उनके सैंपल्स लिए जाएंगे तथा उन्हें होम क्वारंटाइन करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के निर्देशों की पालना हेतु भी माइक्रो प्लानिंग पर चर्चा की गई। कोविड-19 प्रभावित शिला टंडन ने बताया कि प्रशासन की ओर से टीकाकरण को लेकर बेहतर प्रबंध किए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए वार्डवार शिविरों का सफलतम आयोजन किया जा रहा है। टंडन ने बताया कि 1 अप्रैल से केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना हेतु भी बेहतर प्रबंध को लेकर बैठक के दौरान अधिकारियों से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि ब्यावर प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है तथा संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आमजन को भी आगे आना होगा और सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए ताकि कोरोना की इस जंग से जीत सके। बैठक में पुलिस प्रशासन से मानवेंद्र सिंह भाटी, नायब तहसीलदार हनुमान प्रसाद, एसीबीईओ महेंद्र सिंह सांगेला, बीसीएमओ डॉक्टर प्रीतिश शर्मा, नगर परिषद से आरओ शमीम बानो, कविता डाबी, आईसीडीएस जवाजा से कविता डाबी सहित अन्य उपस्थित थे। कोरोना की जो नई गाइडलाइन अभी आई है और वैक्सीनेशन के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक ली गई, इसमें ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी और हमारे जो शहरी क्षेत्र के हैं वो सारे अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जो मुख्य रूप से जिन भी बिंदुओं पे हमें चर्चा की वो इस प्रकार है कि जो वैक्सीनेशन अभी फिलहाल जो मार्च तक 31 मार्च तक चलेगा, उसमें हमने रखा है कि 60 साल से जो अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही जो 45 से 59 साल के हैं जिनके जिनको गंभीर बीमारियाँ हैं उनके संदर्भ में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जैसा कि पार्षद महोदय सभापति जी ने हम लोगों को प्रशासन के साथ बैठक जो हुई थी उसमें निवेदन किया था कि वार्ड तक भी वैक्सीनेशन केंद्रों को लेके जाया जाए, तो वो सफलतापूर्वक चल रहा है। आज भी हम लोगों ने एक नंबर वार्ड से लेकर 30-31 नंबर वार्ड तक का कवर अप कर लिया है और आज शाम को हम लोग एक बैठक और करने वाले हैं 32 नंबर वार्ड से लेकर 60 पार्षद जो हैं हमारे वार्ड के, वो सब आज मीटिंग में मौजूद रहेंगे। वो भी अपने हिसाब से कोई स्थान बताएंगे और फिर हम लोग वहाँ पर भी वैक्सीनेशन करेंगे।